औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम क्लास फिफ्थ का ईवीएस पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो आज का मौजू रहेगा वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं। आपका जो ईवीएस है उसका चैप्टर नंबर 7 यानी फर्स्ट एड, उसका आप पेज नंबर 68 निकालिए और वहां पर रिटन वर्क में पहला क्वेश्चन आपको नजर आएगा, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ हॉट वाटर फॉल्स ऑन यू। यानी हमें बराह रास्त उस वक्त क्या करना चाहिए जब खुदा ना खास्ता हमें कभी गर्म पानी जिस्म पे पड़े। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, हमें उस वक्त सर्द पानी जल्दी ही डालना चाहिए। उस वक्त लिखेंगे पोर कोल्ड वाटर इमीडिएटली ऑन द बर्न यानी जख्म पर, या हम कर सकते हैं और यू कैन कीप आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, why is first aid necessary, यानी इसकी जरूरत क्यों होती है फर्स्ट एड की। तो इसका आंसर मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि घरों में अक्सर हमें ये ऐसे इंजरीज का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर तक जब हम पहुँचते हैं उससे पहले हमें इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम ज़्यादा खून बहने या ज्यादा प्रॉब्लम होने से बच सकें। तो इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा आपको, इस तरह से लिखूंगा, फर्स्ट एड इज वेरी नेसेसरी हर जगह एवरीवेयर इन हाउसेस, या और भी जगह एक्स्ट्रा, एज इट गिव्स, ये हमें देती है इमीडिएट हेल्प इन इंजरीज before the doctor can reach, before we reach, yeah, we can reach doctor। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, What are the reasons of road accidents? यानी road accidents जो सड़क पर हादसात होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके reasons वजूहात बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें जैसे आप भी जानते होंगे लापरवाही एक रीज़न है और दूसरा बिना कंट्रोल के गाड़ी चलाने यानी रैश ड्राइविंग, बहुत तेज चलना, ट्रैफिक रूल्स का
इस्तेमाल न करना, उन पे अमल न करना, और शराब का पीना, ड्रिंकिंग जैसे, ये कुछ वजूहात हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी सवाल कुछ इसे व्हाट आर द रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो आंसर लिखेंगे नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, लापरवाही, केयरलेसनेस। इसी तरह से रैश ड्राइविंग, तीसरा हम लिख सकते हैं नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और चौथा रीजन ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, शराब पीना गाड़ी चलाते समय। प्यारे बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चंस आज हमने किए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको अच्छी तरह से, आपको ये समझ में आया होगा, इनका जो आंसर है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अब आपको ये याद भी करने और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे मैं रुख्सत हुआ चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।